नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जनपद अमरोहा के गांव जीरखी में भारतीय किसान यूनियन भूमि के पदाधिकारियों ने किया बैठक का आयोजन। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गांव जीरखी में भारतीय किसान यूनियन भूमि के राष्ट्रीय अध्यक्ष खचेड़ो सिंह चौहान ने अपने पार्टी के नेतृत्व में बैठक का किया गया आयोजन। भारतीय किसान यूनियन भूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खचेड़ो सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन भूमि पार्टी एक ऐसा संगठन है जो सही कानून को लागू करने के लिए उदय हुआ है। ये संगठन सीतापुर, बदायूं, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, 11 जिलों में अपनी पकड़ बना चुका है। संगठन को बहुत ही मजबूती से कार्य करने के सभी पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने कार्य को भलीभांति करें, किसानों की समस्या का समाधान जल्दी किया जाए। अगर कोई अधिकारी किसानों की बात को नहीं मानता है या अनसुनी करता है तो उसके विपरीत धरने पर बैठेंगे जब तक सरकार उनके समस्याओं का निस्तारण नहीं करती है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद नागर संरक्षक अध्यक्षता में मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में कार्यकारिणी का विस्तार प्रक्रिया एवं क्षेत्र के किसानों की समस्याएं जैसे आवारा पशुओं से छुटकारा, विद्युत समस्या, गन्ना मूल्य और चाहे राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की योजना आदि समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रत्येक योजना को भारतीय किसान यूनियन भूमि पार्टी जनता तक पहुँचाने का कार्य करेगी। रिपोर्टर उदल सिंह। विनोद नागर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय किसान यूनियन भूमि का राष्ट्रीय संरक्षक आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि देश के किसानों को और देश के जवानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनके फंडामेंटल राइट्स की बात के लिए इस संगठन का आज उदय हुआ है और इसका सिंहनाद आज यहाँ जीरखी के AS वेंकट हॉल से इसका शंखनाद आज हो रहा है। सर, इसमें कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और जितने भी आम नागरिक की जो भी मांगे हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी पूर्ति करने का फंडामेंटल राइट्स और उनके अधिकारों की पूर्ति करना, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकार की योजनाएं हों, उनको पंक्ति के अंत में बैठे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य भारतीय किसान यूनियन भूमि और भारत राष्ट्रीय सेवक संघ मिल करके करेगा। और यहाँ के अधिकारियों से विशेष रूप से हम ये आग्रह करेंगे कि प्रत्येक भारतीय किसान यूनियन भूमि के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर खचेड़ो सिंह चौहान, हमने जो ये भारतीय किसान यूनियन भूमि नया संगठन का उदय करा है, सारी जनता के सहयोग से करा है, सारे क्षेत्र के सहयोग से करा है, सारे उत्तर प्रदेश कई प्रदेशों के लोगों के सहयोग से किया है। हमारे संगठन का काम होगा किसान मजदूरों की समस्याओं को उठाना, सरकार पर जो काम नहीं होता है उस समस्याओं को उठा कर सरकार पर दबाव बना के उस काम को कराना है। हमारा उद्देश्य है किसान मजदूर की समस्याओं के प्रति सतर्क रहना हमें हमारा कर्तव्य है और जो हमारे किसान मजदूरों का शोषण होता है उसे रोकने के लिए हम हर वक्त तत्पर तैयार हैं। तो जैसे कि अभी सरकार नई योजना ला रही है, पहले गन्ने उसका यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, अब फिर 45 का किया, अब मार्च में 40 किलो का गन्ने को यूरिया का कट्टे बोरे का वजन होने जा रहा है। हम सरकार से पुरजोर करेंगे कि हमारे यूरिया के बोरे का वजन 45 किलो ही रहे, क्योंकि कंपनी को फायदा होता है, किसान को नुकसान होता है, हमारा पैसा उतना ही जाता है। ऐसी कई बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार किसानों को गुमराह कर रही है, मजदूरों को गुमराह कर रही है, जैसे कि बिजली के नाम पर हमारी आम जनता का शोषण करती है सरकार, हम उसे रोकने का काम करेंगे। अगर सरकार हमारी बात मानती है, अगर नई पार्टी बनाने का मेन कारण क्या था, वार्ता के अनुसार मानती है तो ठीक है, और नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार से हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। जी, ये नई पार्टी बनाने का मेन कारण क्या है? नई पार्टी बनाने का मेन कारण है हमारे क्षेत्र में कहना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई संगठन ऐसा मजबूत नहीं था जो किसानों की मजदूरों की सही तरीके से आवाज़ उठा सके। संगठन तो बहुत है भारत में, परंतु
सही मांग उठाने के लिए कुछ ही संगठन काम करते हैं। उन सब के भाव देखते हुए हमने सोचा, हमारे जो प्रोफेसर किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जी, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, उनके सहयोग से वो एक महान मूर्ति है, वो एक शिक्षित और प्रोफेसर है, उनके मार्गदर्शन में हम अपने इस नए संगठन को आगे बढ़ाएंगे जी। और कितने जिलों का कार्य कर रहे हैं, हमारे समस्याएं क्या हैं जी, किसानों क्या क्या समस्याएं हैं, आपका किसानों की समस्याएं हैं। अभी गन्ने का रेट 20 रुपए बढ़ा है, जबकि हम 450 रुपए मांग रहे थे, तो ये समझ लो ये गन्ने का रेट किसान को बहकावा देना है, मतलब किसान की समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा, आपके अलावा आपके जो किसान यूनियन के और भी संगठन हैं जी, आप उन संगठनों को किस नज़रिए से देखते हैं? संगठन वक्त आने पर हम सब एक, हाँ ऐसा नहीं है कि